ये सबसे बड़ी चीज होती है उसका भाई हमेशा नाम रोशन करे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मतलब कैसा हुआ, कैसा अंकित है, मतलब बचपन से ही पढ़ने में, आपने जब से देखा बड़ा भाई होने के नाते बाहर रहकर पढ़ाई किया, क्या कहना चाहेंगे? बचपन से ही पढ़ने का बहुत ही ज्यादा जुनून था उनमें, और उनको कोई भी बोलता नहीं था पढ़ने के लिए कि आप पढ़ाई करो, वो खुद से पढ़ाई करते थे। और भागलपुर के नवगछिया के साहू परवत्ता निवासी दिलीप कुमार साह और शिक्षिका श्रीमती अंजू कुमारी के पुत्र अंकित कुमार ने बीपीएससी 65वीं परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया है। परिणाम आते ही अंकित के पैतृक गांव में हर्ष का माहौल है, तो अंकित के बचपन के दोस्त उनकी सफलता से काफी उत्साहित हैं। मालूम हो कि अंकित एक सुरक्षा कंपनी में बतौर इंजीनियर उड़ीसा में वर्ष 2013 से पदस्थापित हैं। अंकित ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटिहार के कुरसैला में रहकर पूरी की गई है। कुरसैला में अंकित के बड़े पापा विनय कुमार साहू और बड़ी मां निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष क्रांति देवी रहती हैं। इसके बाद की पढ़ाई पटना स्थित रामकृष्ण रेसिडेंशियल स्कूल से पूरी की है और पटना सेंट्रल स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की है। अंकित ने बताया कि इसके बाद उन्होंने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया और वर्ष 2013 में एक सुरक्षा कंपनी में बतौर इंजीनियर अपनी सेवा देने लगे। इस दौरान वह बीपीएससी की तैयारी भी करते रहे। वर्ष 2018 में भी उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की, जिसके बाद वह श्रम परिवर्तन पदाधिकारी बन गए। 64वीं बीपीएससी परीक्षा में भी उन्होंने सफलता हासिल की और रेवेन्यू ऑफिसर का पद उन्हें मिला। अंकित ने बताया कि वह यहीं पर रहकर 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में भी शामिल हुए और उन्हें 10वां स्थान प्राप्त हुआ। अंकित की मां अंजू देवी को गोनरचक मध्य विद्यालय में शिक्षिका है। अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को दिया है। अंकित की सफलता पर उनके तीन बहन पूजा, आरती और ऋतिका काफी खुश हैं। परिजनों ने बताया कि बचपन से ही अंकित मेधावी था और उन लोगों को उम्मीद थी कि अंकित एक दिन कुछ ऐसा करेगा जिससे उनके समाज और परिवार का नाम काफी ऊंचा होगा। मेरे मामा जी ले गए, जुनेवंतु तिवारी नाम है, वो ले गए बाहर, फिर वहाँ पटना में ही रहे, पटना से मैट्रिक किए, इंटर किए, उसके बाद फिर भैया का इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, भागलपुर में, तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज किए, इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाने के बाद फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए वो पटना हुई दिल्ली भी गए हैं। दिल्ली जाने के बाद फिर कुछ ही दिन के बाद उनका जॉब लग गया, फिर वो जॉब करने के लिए चले गए, लेकिन तब से पढ़ाई से जुड़े रहे वो, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी की। हाँ, कितने अटेम्प्ट में ये तैयारी किया? ये तीसरा अटेम्प्ट है शायद। होती है उनका बच्चा कुछ रिजल्ट करता है, आपका बच्चा बिहार के टॉपर्स की लिस्ट में, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा बना, बहुत मेहनत के बाद आज यह रंग आया है। किस तरह से पढ़ाई करते थे, क्या उनका था एम? उनका एम नहीं, उनको बचपन से ही मैं बाहर रखी हूँ। मेरे पास 4 साल का जब था उसी समय से मैं बाहर ही उसको पढ़ाई। गांव में पढ़ाई लिखाई कभी कुछ नहीं, गांव में हल्का फल्का जो मैं ही पढ़ाई, मैं ही पढ़ाई जितना पढ़ाई उसको, उसके बाद मैं उसको पटना भेजी। जैसे कि उनसे भी बात हुई तो वो पहला श्रेय आप ही को दे रहे थे। हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि उसको मैं पढ़ा रही थी, क्योंकि मेरी माँ टीचर है, टीचर थी, तो हम भी जानते थे इसका पढ़ने का महत्व, तो पढ़ाने से ही ना बच्चा का अच्छा बनेगा, इसलिए मैं। आप बचपन से ही उसे बाहर रखी, क्या सोचकर कि गांव में अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, ये सोचकर? नहीं, इसलिए कि हम लोग जो काम करते हैं शायद बच्चे पर असर पड़े, इसलिए मैं बाहर रखी कि बाहर रहेगा तो हम लोग पैसे देंगे उसको, वो पढ़ेगा, अच्छा करेगा और एक दिन नाम रोशन करेगा। आपको कौन के लिए बधाई दिए आप? उसे बधाई तो देती रहती हूँ, जब पहला फोन मेरे पास आया मैं बहुत खुश।